इफ़ज़ान खान 30 साल की उम्र है इस टाइम, मेरी 15 साल हो गए इस लाइन में, 15 साल का ही था मैं जब आया था। 84 में तो मैं यहाँ मशीन लगाई आगे, उसके पहले पंजाब था। पंजाब से आने के बाद में जब से यहीं पे फिर एक्सपोर्ट हुआ हमें। इन स्पेन इंडिया है गुजराल साहब की कंपनी, उसका काम करता था तब से। अब उस टाइम पे वहाँ काम थोड़ा आरी का कम था, फिर सूट लाइन लिया। और लाजपत नगर का इधर ये भी मतलब सूट वगैरह इसका भी काम था हमारे। अभी रेडीमेड का ही चल रहा है इस टाइम में, एक्सपोर्ट का कम है। अब मैंने फैक्ट्री जाना भी छोड़ दिया, बस बच्चों को कर दिया, यही संभाल रहा। मेरा नाम अब्दुल कादिर, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। जैसे कि पहले मतलब बहुत अच्छा था, अब से हमारा काम बीच में जो है वो डाउन हो गया था थोड़ा। नहीं तो पहले तो हमारी ये तो बहुत कम हो गई मशीनें, पहले तो बड़ी फैक्ट्री थी कहीं और थी, लेकिन बीच में छोड़ दिया था मतलब करना, इसलिए दोबारा से स्टार्ट किया हमने लग के साथ। तो एक कंपनी का ही काम मेरे को इतना मिल जाता, दूसरी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब तो 5-6 मशीनें रखी, मेरे पास 20 मशीन चला रहा था पहले। अब मैंने सब ख़त्म करके बस ये रेडीमेड के लिए ये मशीनें रखी हुई हैं। लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सभी तरह का काम कराते हैं, चालू होता है जैसे भी नॉर्मल और ज़्यादा फैंसी भी, हर तरह के काम होते हैं। जो एक्सपोर्ट वाली कंपनीज होती हैं वो तो अपना सैंपल खुद ही देती हैं, उसी हिसाब से हमें उनका लॉट होती है पूरी, जितने भी ज़्यादा पीस होते हैं क्वान्टिटी में वो सब कलर वाइज बता देते हैं, वो हम बना के दे देते हैं। और जैसे सूट लाइन में कहीं रेडीमेड का जो होता है उसमें हम अपने सैंपल भी दिखाते हैं, अपने पास से भी तैयार करते हैं कुछ, फिर वहाँ से ऑर्डर मिलता है हमें, तब स्टार्ट होता है। ये ड्रेसिंग वगैरह तो हमें खुद ही करनी होती है। डिज़ाइन हम अपने भी सेट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जो एक्सपोर्ट या कंपनी वाले होते हैं वो तो अपने खुद ही देते हैं। रेडीमेड का जो है उसमें हमें अपने दिखाने होते हैं लेटेस्ट डिज़ाइन क्या है किस तरह का, तो वो पसंद करते हैं फिर ऑर्डर देते हैं हमको। जैसे कि कोई सैंपल दिया उन्होंने हमें कंपनी ने, उसकी उसी के ऊपर ड्रेसिंग रख के पेंसिल से स्केचिंग वगैरह, जो ड्राइंग सेम पैटर्न वही होता है ड्राइंग करके, और मशीन आती है उसको पिन करने की, जो ड्रेसिंग होता है उसको हम केरोसिन वगैरह इसमें पाउडर मिक्स करके जैसे हुआ है ड्रेसिंग, उसको करने के बाद तभी एम्ब्रॉयडरी होती है मशीन पे। कॉस्ट मैम एक तो टाइमिंग के हिसाब से होती है, पीस में पर पीस कितनी कितना टाइम ले रहा है उसी के हिसाब से उसका रेट होता है। फिर उसमें जो थ्रेड हमारा लगता है और ये ड्रेसिंग के लिए ऑयल वगैरह सब कुछ, ये सब निकाल के फिर जो वर्कर की वो होती है अपनी, उनका देना होता है हमें आधा उसमें से। तो मतलब हमको उससे जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ पर पीस है, उसमें से 50 रुपीज़ तो हम कारीगर ही लेता है हमसे, और 15 to 20 उसमें मटेरियल में चला जाता है, तो बाकी का बचता है ये 40-35 पर पीस पे। और ऐसे दिन में कहीं पीस हो जाते हैं तो ठीक मतलब एवरेज आ जाता है। काम सही होता तो फिर कारीगर की कोई दिक्कत नहीं होती इतनी। जब काम कारीगर को सही मिलेगा, सही पेमेंट मिलेगी, सही उसको उसकी झाड़ी मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है ये चीज़। कारखाने तो यहाँ पे काफ़ी हैं, हाल से यहाँ पे ओखला के अंदर 30-35 तो होंगे ही। ये होता है काम की क्वालिटी देखी जाती है, फिनिशिंग है कितना अच्छे से जो बनाता है तो उसी को ज़्यादा अपना ऑर्डर देगा, जो काम अच्छा देगा बना के उसका, ये होता है। बहुत सी होते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होती, मशीनें लगा ली कुछ टाइम में ही और ऐसे ही सब उल्टा सीधा बना के दे दिया, तो उनसे पार्टी वाला इतना खुश नहीं होता, ना ही ज़्यादा काम दे पाते हैं, ये भी होता है।